खबर कटनी जिले से है, जहां आचार संहिता लगने के साथ ही निर्वाचन कार्य में अधिकारी आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दलों को एसडीएम कार्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि इस प्रशिक्षण में मतदान दलों को चुनावी प्रक्रिया में मतदान का प्रतिशत प्रत्येक दो दो घंटे पर अपलोड करने की प्रक्रिया को समझाया गया। और इसी कड़ी में एसडीएम प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि महिलाओं को इस बार चुनाव प्रतिशत के आंकड़ों को चुनाव शाखा के पोर्टल में अपलोड करने की जिम्मेदारी दी जा रही है और आमजन को मतदान के प्रतिशत उपलब्ध प्रत्येक दो दो घंटे में उपलब्ध हो सके, इस पर भी कार्य किया जा रहा है। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। जैसा आप लोगों को मालूम है कि अपना लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को है, तो ये हमारे पोल डे का परसेंटेज लेते हैं, ये हमारे कर्मचारी हैं, इनको हमने प्रशिक्षण दिया है कि दो दो घंटे में किस प्रकार से मतदान दलों से प्रतिशत लेना है, कितने महिला कितने पुरुष कितने अन्य ने मतदान दिए, ये परसेंटेज शासन दो दो घंटे में ऑनलाइन करता है आम जनता के लिए, कितने परसेंट वोटिंग हो गई है, ये वोटिंग के परसेंटेज शासन के कार्य का परिणाम होता है, अतः इसके लिए विशेष ट्रेनिंग हम लोगों ने आज यहाँ पे करी है। तो महिलाओं का क्या योगदान है चुनाव में जो मतदान कराने में, किस तरह की जन भागीदारी और कुछ सामूहिक कार्यक्रम कराए जाएंगे? हाँ, पूरे उसमें महिलाओं के वोट बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए तरह तरह के स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से जिला पंचायत सीओ साहब के नेतृत्व में और कलेक्टर साहब के नेतृत्व में अन्य प्रकार की गतिविधियां कराई जा रही हैं, जिस तरह की हमारे जिले का जो लास्ट लोकसभा चुनाव था 70% मतदान था, इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मतदान के प्रतिशत को बढ़ा सकें।